त्यांचं नाव हो तमाम प्रत्याशी की कामयाबी के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप उनके हम में अपना वोट से मतदान करें और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तमाम लोग हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये भी तय किया कि आप युवा आपका युवा यहाँ पर तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे जिसके समाज सम्मान और समाज के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि यही तरीके से हम तमाम वंचित समाज को पिछड़े समाज को मुस्लिम समाज को दलित समाज को उठा सके। इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए और आपकी इस विधानसभा में यहाँ पर हमारी बहन मोटरवाड़ी आदमी यहाँ पर प्रत्याशी है और इस विधानसभा में आप जानते हैं कि इस जिले में चार बीजेपी के विधायक जी ने हुई है और मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार ये डबल इंजन की सरकार और उपापात शहर के विकास में सरासर नाकाम साबित हुई। क्या आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक ज्ञान नहीं होता? सपा वालों ने उसको शुरू किया ना बीजेपी के डबल इंजन की सरकार ने शुरू किया। आप बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाइए इंशाल्लाह उसमें इंग्लिश का काम भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। शिक्षा के लिए देहरादून के दिल्ली जाते इम्तिहान देखने के लिए आप जहाँ पानी के बढ़िया जी को कामयाब करिए इंशाल्लाह वो काम की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। मेरे तीन दोस्तों मेरे बुजुर्गो मेरी सरदार माँ और बहनों ये हमारी भागीदारी की लड़ाई है ये हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है और सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अगर आप इसमें साथ देंगे तो मुझे यकीन है कि सही मानों में सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी। भाजपा ने जाकर लड़ाकर और सपा ने लड़ाकर वोट किया मगर दोनों ने विकास नहीं किया। अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है एक सिक्के के दोनों है। आज निकल के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा आपके दरमियान गए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा ये मिलना दोबारा भी तो बना रहा पूरी फोटो है पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपके दरमियान में मैं बाबू सिंह कुशवाहा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो मेरी आप तमाम मंत्री है एयरपोर्ट पर जहां पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जितने कैंडिडेट उम्मीदवार और प्रत्याशी है उन सबको कामयाब करिए इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता दिलाइए ताकि आपकी सरकार हो आपके फायदे का काम हो आपके साथ दिलाई कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम आजम। 90 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस में बनाई जा रही है। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ ने फरुखाबाद की जनता से नारीवादी करके एक्सप्रेस वे को सही जोड़ा है। आप बाबू सिंह कुशवाहा को और यहाँ हमारी बहन के हक में मतदान करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे को फरुखाबाद से पहला काम बाबू सिंह कुशवाहा करेंगे बीजेपी का इतने टेक्निकल इशू कोई टेक्निकल इशू नहीं है। योगी की सरकार ने बीजेपी की सरकार ने फरुखाबाद की जनता से सौ तेरा शुरू किया है और इसका आपको मतदान के दिन को जवाब देना है। इस विधानसभा को वो लोग जानते हुए भी यहाँ पर इस एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस नहीं हुआ। इस विधानसभा में ब्रिजिंग करने का काम आखिरी साल से रहा है। आप यहाँ से जाके प्रत्याशी को कामयाब करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ब्रिजिंग इंडस्ट्री को यहाँ पर इसको और ठीक जिंदगी दी जाएगी और उसको राहत दी जाएगी। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गो मैं आपसे भी वादा करता हूँ कि यहाँ पर जो स्विमिंग पूल थी मैं यहाँ पर बाबू सिंह कुशवाहा जनाधिकार पार्टी के तमाम प्रत्याशी की कामयाबी के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप उनके हम में अपना वोट से मतदान करें और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तमाम लोग विश्वास
गिराने वाले पर मोर्चा बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये भी तय किया कि आप युवा, आपका युवा और आपका वोट मिलेगा, तो यहाँ पर तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसका सके कमाल सलमान और जिला समाज के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि यही तरीके से हम तमाम वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को उठा सके। इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए और आपकी इस विधानसभा में यहाँ पर हमारी बहन मोटरवाड़ी आज सिंह यहाँ पर प्रत्याशी है और इस विधानसभा में आप जानते हैं इस जिले में चार बीजेपी के विधायक जी ने ट्वीट किए और मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार और फरुखाबाद शहर के विकास में सरासर नाकाम साबित हुई। क्या आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता? कामयाबी के लिए आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि आप उनके हक में अपना वोट दें, मतदान करें और बाबू सिंह कुशवाहा साहब को इस उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तमाम लोग एक साथ जमा हो। इसलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने ये भी तय किया कि आप युवा, आपका इंतजार और आपका वोट मिलेगा, तो यहाँ पर तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसके समाज के सलमान और जिला समाज के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने कहा कि यही तरीके से हम तमाम वंचित समाज को, पिछड़े समाज को, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को उठा सके। इस लड़ाई में आप लोग हमारा साथ दीजिए और आपकी इस विधानसभा में जहाँ पर हमारी बहन मोहतरमाजी आज सिंह यहाँ पर प्रत्याशी है और इस विधानसभा में आप जानते हैं कि इस जिले में चार बीजेपी के विधायक जी ने ट्वीट किए और मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार फरुखाबाद शहर के विकास में सरासर नाकाम साबित हुई। क्या आपके पास यहाँ पर ट्रैफिक जाम नहीं होता शहर में, खासतौर से दुर्गुलिया चौक हरे का वहां पर जाम होता है? क्या यहाँ की विधानसभा और यहाँ के जिले के लोग नहीं चाहते हैं जो 590 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है? नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ ने फरुखाबाद की जनता से नाइंसाफी करते हुए एक्सप्रेस वे को नहीं जोड़ा है। आप बाबू सिंह कुशवाहा को और यहाँ हमारी बहन के हक में मतदान करिए। हम आपसे वादा करते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे को फरुखाबाद से पहला काम बाबू सिंह कुशवाहा करिए, गंगा एक्सप्रेस वे को